खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र अधिकारी ने भारी भरकम पुलिस बल और आईटीबीपी के जवानों के साथ गांव-गांव टहलकर फ्लैग मार्च किया। वहीं ये निर्देश देते नजर आए कि माइक द्वारा जो भी गांव में संदिग्ध लोग हैं जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं चुनाव में, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो उपद्रवी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और पुलिस को सूचना दी जाए। ये खुद क्षेत्राधिकारी द्वारा, ये माइक द्वारा आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं, पीछे तक जो भी जहां तक आपकी नजरें जा रही होगी, पुलिस बड़ी संख्या में ये किसी एक गांव में टहल कर क्षेत्राधिकारी द्वारा ये बताया जा रहा है कि गांव में जो भी संदिग्ध हो, जो चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकता हो, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और पुलिस को गुप्त जानकारी दी जाए, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं ये तस्वीर प्रतापगढ़ की जिले से आ रही है, जहां पर एक गांव में भारी भरकम पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी। गांव में माइक द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी उपद्रवी किस्म के लोग हैं, बवाल कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दी जाए जिससे कानूनी कार्रवाई की जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीर बिल्कुल इस वक्त रूबरू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस। आपके साथ है, आप सभी दिल्ली को निष्पक्ष रूप से अपना मतदान दे सकते हैं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी आपके प्रति भय कारित करता है उसकी सूचना आप पुलिस को दें, पुलिस सदैव आपके साथ है। धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में जो भी ऐसे अराजक तत्व हो जो विधानसभा चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनके बारे में आप पुलिस को तत्काल सूचना दे सकते हैं, चाहे कोतवाली को दें या क्षेत्राधिकारी को दें, या आप किसी भी नंबर पर इस बात की सूचना दे सकते हैं कि फला व्यक्ति अराजक तत्व है जिसके द्वारा चुनाव में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ ही पुलिस आपके साथ है, आप सभी निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से अपना मतदान दे सकते हैं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी आपके प्रति भय कारित करता है उसकी सूचना आप पुलिस को दें, पुलिस सदैव आपके साथ है। धन्यवाद।